हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। वकील साहब ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर जॉनर की तेलुगु फिल्म है जो इस महीने में थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी 9 या 10 तारीख को, और इसे तुरंत ही अमेजॉन प्राइम पे भी रिलीज़ कर दिया गया है। इसे डायरेक्ट किया है वेणु श्रीराम जी ने और स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी है। इसमें पावर स्टार पवन कल्याण है, प्रकाश राज है, निविता थॉमस है, श्रुति हसन है, मुकेश ऋषि है, अंजलि है, ये सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और भी सपोर्टिंग कास्ट है। जैसे हमें पता है ये फिल्म पिंक इस फिल्म का रीमेक है, हिंदी फिल्म जो आई थी पिंक उसका रीमेक है, तेलुगु रीमेक है, लेकिन इसमें एक सब प्लॉट भी डाला गया है एडिशनल, क्योंकि फिल्म का नाम है वकील साहब। तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो कैरेक्टर है इस फिल्म का वकील साहब लीड रोल में, उनके बारे में बताना ज़रूरी है इस फिल्म में, तो वो बताया गया है। बहुत बड़ा पोर्शन दिया गया है इस कैरेक्टर को, जैसे कि ये कौन है, क्या करता है, ये सब कुछ। जैसे कि ये जो वकील साहब हैं ये गरीबों का दुख सह नहीं पाते, तो उनके साथ खड़े होते हैं और जिस प्रकार की भी उनकी ज़रूरत है उस प्रकार से वो उन्हें मदद करते हैं। पैसों की ले लो, लीगल ले लो, जब ज़रूरत पड़े तो मसल पावर ले लो, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ वो मदद करते हैं गरीबों की, और इसी चक्कर में वो लॉयर बन जाते हैं। और यह सब प्रोसेस में जो है उनका एक पर्सनल लॉस भी हो जाता है, एक पर्सनल ट्रेजेडी को भी उन्हें जो है फेस करना पड़ता है, और इसी की वजह से वो अल्कोहलिक बन जाते हैं। तो ये एक प्लॉट दिखा, एक सब प्लॉट दिखाया है, और ये जस्टिफाई करने के लिए ये प्लॉट दिखाया है कि वो आगे जाके जो भी फियरलेस एक्शंस करने वाले हैं, फियरलेस एक्ट करने वाले हैं बेबाकी से, निडरता से, उन्हें जस्टिफाई करने के लिए सब प्लॉट डाला गया है जो इमोशनल है, एंटरटेनिंग है, फिलोसॉफिकल भी है। अब बात करते हैं प्लस पॉइंट्स की, तो पवन कल्याण ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो भी उनके फैंस को चाहिए, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं पवन कल्याण जी से, वो सब कुछ इस फिल्म में उन्होंने डिलीवर किया है, जैसे कि एक्शन, डायलॉग डिलीवरी, एक्सवैग सब कुछ है इसमें। प्रकाश राज जी की एक्टिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, खास करके कोर्ट रूम ड्रामा हम जब देखते हैं तो प्रकाश राज बड़े स्ट्रॉन्गर लगते हैं कंपेयर टू पवन कल्याण। बाकी जो जितने भी एक्टर्स हैं इसमें सबकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, तो एक्टिंग के डिपार्टमेंट में ये फिल्म डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है थमन नाम के म्यूजिक कंपोजर है जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है इस फिल्म को, तो बड़ा ही अपलिफ्ट करने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है, खास करके जब पवन कल्याण जी की एंट्री होती है तो उनकी एंट्री स्वैग वाली एंट्री, और ये अपलिफ्ट करने वाला, माइंड को अपलिफ्ट करने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। गारंटीड ये फिल्म जब थिएटर में रिलीज हुई होगी, मतलब हुई थी ऑफकोर्स, तब बहुत सारी सीटियाँ तालियाँ मिली होंगी उस कॉम्बिनेशन को, पवन कल्याण जी की एंट्री और वो बैकग्राउंड म्यूजिक, और एक्शन सीन्स भी हैं बहुत सारे तो उसे भी जो है तालियाँ सीटियाँ मिली होंगी। तो इन सारे डिपार्टमेंट में, एक्टिंग, BGM, एक्शन सीन्स, सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट, इसमें बढ़िया बनी है ये फिल्म। अब माइनस पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो इसमें अल्कोहल कंजम्पशन को ग्लोरीफाई किया गया है। जैसे मैंने बताया पवन कल्याण जी जो है एक पर्सनल ट्रेजेडी को उन्हें सफ़र करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, और इसी चक्कर में वो जो है शराबी बन जाते हैं। उनके लिए शराब या अल्कोहल जो है ये मेडिसिन की तरह काम करता है, मतलब जब भी वो पीते हैं तब वो काम, कंपोज, एकदम शांत रहते हैं, उनके मतलब इंटॉक्सिकेशन करने के बाद एकदम माइंड काम हो जाता है उनका, और जब नहीं मिलता है तो वो छोटी छोटी बातों पे जो है एग्रेसिव होते हैं, वॉयलेंट होते हैं, गुस्सा करते हैं। और ये एक दो बार होता सीन तो मैं समझ भी सकता था, बहुत बार ये सीन है तो थोड़ा अल्कोहल का ग्लोरीफिकेशन किया गया है मेडिसिन के नाम पर। होता ये है कि चलो स्क्रिप्ट के हिसाब से आपने डाल दिया इस फिल्म में, लेकिन जो पवन कल्याण जी को फॉलो करने वाला जो यूथ है उनके लिए तो बस यही है कि पवन कल्याण जी जो हैं अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो ये नहीं देखते कि इस फिल्म में उन्होंने अल्कोहल क्विट भी की है, छोड़ी भी है, वो ये नहीं देखेंगे। तो थोड़ा ग्लोरीफिकेशन किया गया है अल्कोहल कंजम्पशन को लेकर, मतलब अल्कोहल कंजम्पशन का ग्लोरीफिकेशन किया गया है। और एक्शन सीन्स बहुत सारे हैं इसमें, एक वकील को शूट करने वाले एक्शन सीन्स एक दो डाल देते हैं तो किस्सा ख़त्म होता, लेकिन बहुत सारे एक्शन सीन्स डाले गए हैं, चलो ठीक है, क्राउड प्लीजर एक्शन सीन्स है वो, पवन कल्याण जी के फैंस को मज़ा आया होगा उन्हें देख, उन एक्शन सीन्स को देखते वक्त। लेकिन क्लाइमैक्स में भी मेट्रो में एक एक्शन सीन है जिसकी मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर मैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट देखता हूँ पिंक की,
लेकिन फिर भी डाला गया है, तो उसे उन एक्शन सीन्स को थोड़ा कम करना चाहिए था, खास करके क्लाइमैक्स के सीन को तो कम करना ही चाहिए था, ज़रूरत नहीं थी उसकी। और ये अल्कोहल कंजम्पशन को लेकर जो ग्लोरिफिकेशन किया गया है, ये दो चीज़ें बस मुझे पसंद नहीं आई इस फिल्म में। बाकी ये फिल्म जो है एंटरटेनिंग है, फिलोसॉफिकल है, एंटरटेन करेगी पब्लिक को। फीचर फिल्म, मेन स्ट्रीम फिल्म है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के, बिना एक्सपेक्टेशन के इसे आप देखोगे तो सच में आपको एंटरटेन करेगी, बिना ओरिजिनल फिल्म को कंपेयर किए हुए अगर देखोगे तो। अगर रेटिंग की बात करूँ तो 100 रुपये अगर आप इस फिल्म को देते हो देखने के लिए, तो आपके 75 रुपीज तो बिल्कुल वसूल होंगे। चलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।